देखिए आपको पता होगा इस वक्त सिनेमा हॉल में चार फिल्में चल रही हैं, दो बॉलीवुड की, एक भूल भुलैया 2 और एक पृथ्वीराज, और दो साउथ की हैं, मेजर और कमल हसन की विक्रम। तो चलिए जानते हैं किस फिल्म ने कितने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली अब तक। तान से कहना मैं उनका निमंत्रण स्वीकार करता हूँ युद्ध का। देखिए पहले बात करते हैं अक्षय कुमार की पृथ्वीराज की, जो कि रिलीज हुई थी हिंदी तमिल तेलुगु में, जिसने पहले दिन 10 करोड़ कमाया, फिर दूसरे दिन 12 करोड़ 5 लाख और फिर तीसरे दिन 16 करोड़ 20 लाख, यानी कि टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो गई 39 करोड़ 50 लाख। देखिए फिल्म को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, इसके डेली कमाई में बढ़ोतरी मिल रही है, और वही अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो पृथ्वीराज ने 60 करोड़ कलेक्शन कर लिया, और कुछ क्रिटिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म एक सप्ताह में 200 करोड़ क्रॉस कर जाएगी। और भाई इसको करना भी जरूरी है क्योंकि फिल्म के बजट भी 300 करोड़, मेकर्स चाह ही रहे होंगे जल्द से जल्द बजट रिकवरी हो जाए ताकि कुछ प्रॉफिट भी हाथ आ सके। अपने मौत की आंखों में आंखें डालकर कहा कि तुम मेरी जान ले सकते हो लेकिन मेरे देश को नहीं। देखिए अब बात करते हैं मेजर संदीप उन्नीन कृष्णन जी की बायोपिक मेजर फिल्म की, जो कि हिंदी तेलुगु मलयालम में रिलीज हुई है। इसको शुरुआत में केवल तेलुगु से ही कमाई हो रही थी, मगर अब मेजर हिंदी बेल्ट में भी कलेक्शन शुरू कर दिया। जनता इस मूवी को खुद प्रमोट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ स्टोरी और आदि से इसकी परफॉर्मेंस के कारण। और अगर इसके इंडियन बॉक्स ऑफिस की बात करें तो टोटल 22 करोड़ 10 लाख का कलेक्शन किया है, जिसमें से 4 करोड़ हिंदी बेल्ट से आया है। और अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो टोटल 38 करोड़ 4 लाख कमाई कर लिया। हाँ इस मूवी को बहुत बाहर देखा जा रहा है, 13 करोड़ कमाई हुई है यूएस, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से, और जबकि फिल्म की बजट भी है 30 करोड़ ही, जो कि रिकवरी हो चुकी है। एक योद्धा हमेशा क्या बोलता है पता है? अरे संभाल लेंगे। विक्रम 3 दिन में सुपर डुपर हिट हो गई। कमल हसन 4 साल बाद इस फिल्म से वापसी किए थे और वो सक्सेस हो गए, क्योंकि फिल्म सही मायने में एक मास्टरपीस फिल्म है। और इसका पूरा श्रेय जाता है लोकेश कनक राज का, जो डायरेक्टर है विक्रम के। क्या ही एक्शन पैक ड्रामा फिल्म बनाई इन्होंने। देखिए विक्रम 3 दिन में सिर्फ इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है, और मैं आपको बता दूं इसका मोस्टली कमाई अभी हुई है सिर्फ तमिल से, और हिंदी बेल्ट में तो अभी मात्र 2 करोड़ कलेक्ट किया है। और अगर विक्रम के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो टोटल 145 करोड़ 4 लाख का कलेक्शन कर लिया, और जबकि फिल्म की बजट भी है 150 करोड़, वो तो कल तक रिकवरी हो जाएगी। भागते हैं हम ठाकुर हैं और हम मुसीबत से कभी भागते नहीं है। हाँ तो हम भी रंधावा है, मुसीबत आती ना निकल लेते हैं। देखिए अब बात कर लेते हैं भूल भुलैया 2 की भी। इसने तो बॉलीवुड का फ्लॉप होने का सिलसिला को रोक दिया है, क्योंकि लगातार 4 महीने से फ्लॉप के बाद ये पहली बॉलीवुड की हिट फिल्म है। वेला बात करें इसके इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो रिलीज हुए 17 दिन हो चुका है और टोटल 156 करोड़ कलेक्शन कर लिया है। और अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो भूल भुलैया 2 ने 212 करोड़ 10 लाख कमाई कर लिया। देखिए अब बात करें कौन है बॉक्स ऑफिस विजेता, तो भाई सारी फिल्में हिट हो रही है। लोगों कई दिनों से फ्लॉप फिल्मों देखने के बाद कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन कमाई के मामले में विक्रम का स्पीड बहुत ज्यादा है। कुछ क्रिटिक्स रिपोर्ट के मुताबिक विक्रम 500 करोड़ पार कर सकती है। बाकी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और साथ में इससे और अपडेट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक आप सभी को अलविदा।